नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे जी दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वजीफ़ा 786। जैसा कि आपको पता है, आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786 रोज़ आपको नई से नई वीडियो, नए से नए तावीज़, नए से नए नक्स लेकर हाजिर होता है। इंशाल्लाह आज फिर से नई वीडियो, नए तावीज़, नए नक्स लेकर हाजिर हुआ है अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, फिर वलियों की दुआ से। इंशाल्लाह इसमें पूरी कामयाबी मिलती है अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुंचती रहे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और अपने प्यारे दोस्तों को भी जो है वीडियो को शेयर कर दें। आपके ज़रिए किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है और 100% होगा, ताकि आपके ज़रिए कोई बंदा किसी चीज़ से अगर परेशान है तो उसके लिए इसमें पूरी कामयाबी मिल सकती है ये तावीज़, ये नक्स देखकर। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे फिर से एक बार सुन लें, प्यारे दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ना करना भूलें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें जिसको बोलते हैं वाला आइकन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये तावीज़, ये नक्स, ये किस काम के लिए है? इसको 21 बार जाफरान से नीम के पत्तों पर, मतलब कि नीम के पत्तों पर लिखें, और इनमें से 11 अदद नक्स रोज़ाना के हिसाब से लेकर, मतलब और उन्हें थोड़े थोड़े पानी में जो है उंगली से मसल कर उतार लें। फिर इस पानी को जो है आटे की गोलियों में बनाकर चांदी कि प्याली या तारीख जो भी है, मतलब कि चांदी की प्याली या तारीख जो भी है, उसमें जो है उसमें करके दरिया या किसी नहर में ताज़ा, मतलब कि किसी दरिया या किसी नहर में जो है तक जाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इसमें पूरी कामयाबी मिलेगी। और इन गोलियों को एक एक मछली को खिला दें, और ये अमल जो है 11 दिन तक बराबर इसी तरह जारी रखने के लिए करा गया है, और इसको जो है करते ही जाते जाते किसी भी बात ना की जाए, इंशाल्लाह इसमें पूरी कामयाबी मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, पीर वलियों की दुआ से। ये नक्स मैं जो आपको पूरा बनाकर दिखाता हूँ, और दिखाने के बाद में आपको जो है सही तरीके से समझा। प्यारे दोस्तों, 11 दिन में जो है महबूब पागल होकर तड़प कर जो है आपके आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। पागल होकर तड़प कर जो है महबूब आपका, आपकी महबूबा जो है, या महबूब या महबूबा इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, पीर वलियों की दुआ से। मगर एक चीज़ ना भूलें, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, होते रहेंगे। आपको नक्स बनाकर दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को देखिए।
दोस्तों ये नक्स बनकर रेडी हो गया। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ी राइटिंग मेरी उर्दू में भीग है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए और सही मुकम्मल तरीके से इसका जो है सही तरीके से मैं आपको बता सकूँ और सही तरीके से समझा सकूँ। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल बनने वाली है, पावरफुल वीडियो है, इसका जो है सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों आप लोगों को 100% कामयाबी मिलती है और ये आजमाया हुआ ताबीज़ आजमाया हुआ नक्श है, ताकि ये कोई ऐसा नहीं है, कोई आजमाया हुआ नक्श नहीं है। आपको आपके लिए जो भी नक्श लेकर हाजिर होते हैं इतना पावरफुल अमल होता है, आजमाया हुआ नक्श होता है। इसको वाइट का मतलब ये इसको सही तरीके से जो मैंने बताया है नीम के पत्तों पर जो है आपको बनाना है सही तरीके से, इसका नीम के पत्ते पे ही इसको बनाकर दिखाना है जिस तरीके से मैंने बनाया है। ये तो मैंने आपको जो है वाइट कागज़ पर मार के ऐसे बनाकर दिखा दिया, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये है फला और ये तो आपको पता ही है, एक दो एक, एक दो एक, ये मतलब कि रे है उर्दू में, ये फला है, ये एन ते बिन एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, ते बिन बाव एक दो एक, फला एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, फिर फला। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। प्यारे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुँचती रहे और नए से नए अमल, नए से नए वजीफे, नए से नए ताबीज़, नए से नए नक्स, नए से नए दुआएँ आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचती रहे, आप लोग सही तरीके से समझते रहें और सही तरीके से आप वीडियो देख के अमल करते रहें। प्यारे दोस्तों ये आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं आप ही लोग, आप लोगों का ही साथ है इंशाल्लाह, इसमें आप लोगों को पूरी कामयाबी मिलेगी हमारे ज़रिए से। प्यारे दोस्तों गुल खिलेंगे गुलशन खिलेंगे, ज़िंदगी बाखिर रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजीफ़ा 786, वजीफ़ा 786।